तो ये सारा पैसा जो है जनाब मैंने सोशल मीडिया से कमाया, और सोशल मीडिया इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि सिर्फ यूट्यूब से, इसमें फेसबुक भी इन्वॉल्व है एंड दीगर सोशल मीडिया। आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। उस वक्त मेरे पास ये जो माइक देख रहे हैं ये नहीं था, आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया। ये आप एक तो इस वीडियो का रिज़ल्ट चेक कीजिए, और दूसरा मैंने मेरे पास जो माइक है ये 150 रुपये का माइक था। माइक मैंने लिया, स्टार्ट किया, मैंने एक 1100 वाली डील मंगवाई थी दराज ऐप से, और वो सारी चीज़ें ही तकरीबन बेकार थी। उसकी वजह ये है कि वो 150 का माइक था, उसमें कोई 200 का ट्राईपॉड था, इस तरह से चीज़ें थी सस्ती सस्ती, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया। एंड नाउ आई एम एबल कि मेरे पास जो अभी ये माइक है, जिससे मैं इसकी आवाज़ भी ज़ाहिर है आपको अच्छी अट्रैक्टिव आ रही होगी, ये तकरीबन 13 से 14 हज़ार इसकी अभी प्राइस चल रही है, और दीगर जो सेटअप है। इसके अलावा आपने उस वीडियो का रिज़ल्ट देखा और इसका देखा, उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा कि किस हद तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कामों में चेंजिंग आती है। जब आप थोड़ा सा इनिशियल स्टेप लेते हो तो आपको सुनने को मिलता है, भाई साहब किहड़ा काम शुरू कर लिया जे, वो किहड़े पेंडे पै गए हो तुसीं, किड़ा काम शुरू कर लिया, यह काम तो अगों ये विच तुहानूं यह मसले आने ने, तुहानूं नुकसान फेस करना पएगा। पंजाबी मिक्स हो गया। एनीवे मैंने ये पैसा जो है सिर्फ 4 दिनों में कमाया, लेकिन इसके पीछे 2 साल की मेहनत भी है मेरी, और ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं, आप आज मेहनत आज नियत कर लेते हैं कि मैंने कोई एक मकाम हासिल करना है, मैंने कहीं पे निकलना है, मैंने कोई मंजिल हासिल करनी है, तो आपकी जो आज की मेहनत है वो कल को आपको नज़र आएगी। आपकी अभी जवानी की मेहनत, मैं एक जुमला आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी एक आपके अंदर आग है ना, इसको इस्तेमाल करो, ख़ासतौर पर नौजवान लोग इसको इस्तेमाल करो, कल को आप एक वक्त आएगा, अभी आप पे एक वक्त है, आप सुबह भी काम कर सकते हो, शाम भी काम कर सकते हो, दोपहर भी काम कर सकते हो, काम 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 कायदे अज़म वाली बात पे आप चल सकते हो, लेकिन एक वक्त आएगा, एक सर्टन टाइम बाद आप एक इस तरह पे हर इंसान पे वक्त आता है कि वो फिर काम 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 वाला सिलसिला जो है वो रुक जाता है, फिर काम और आराम, ये चीज़ें बाकी रह जाती हैं, फिर एक टाइम आता है फिर आराम और आराम आराम, फिर यही चीज़ें ज़िंदगी में बंदे की रह जाती हैं। एनीवे अगर आप जवानी में काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपका आराम का वक्त जो है वो आप आराम से गुजार सकेंगे, अदरवाइज़ भाई बड़ी जलालत है। अभी जो दौर चल रहा है आपके सामने है। मैंने 2020 में जब काम स्टार्ट किया तो आई वॉज़ लाइक अ स्टूडेंट, तो मुझे बिल्कुल भी इतना वो वहाँ तक एक इजाज़त नहीं थी कि मैं बाहर जा कर बहुत ज़्यादा काम कर सकूँ या इस तरह के मामला, लेकिन मैंने फिर भी अपने घर से इजाज़त ली और मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक चैनल के लिए वीडियो बनाई और उसका मैंने 1500 रुपया चार्ज, वो 1500 की वीडियो मेरी फ्रीलांसिंग पे जो है वो सेल होती थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मैं लाहौर गया, वहाँ पे काम किया सोशल मीडिया पे एज एन एंकर पर्सन, एज ए स्टोरी क्रिएटर व्हाटएवर, तो वो सारा काम किया। उसमें ऐसा भी वक्त आया कि मैंने एक वीडियो जो है वो मेरी तकरीबन 6000 तक भी सेल हुई, 5000 6000 तक मेरी एक एक वीडियो सेल हुई डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लाहौर छोड़कर दोबारा जाहिर है अपनी स्टडीज़ के लिए मुझे गुजरांवाला आना पड़ा, और सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं अपनी वालिदा वालदैन के बगैर नहीं रह सकता था। गुजरने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना कारोबार करना चाहिए, देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। तो आप लोग भी इस तरह से पैसा कमा सकते हो, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपका खुद का काम होता है, आपकी नमाज जो है वो भी बड़ी शानदार गुजरती है, आपकी वो सोचें ख़त्म हो जाती है कि अब फलां काम जो करने वाला रह गया है वो कैसे होगा, कहां से होगा, अब वो फलां काम जो है इस तरह किस तरह होगा। ये जो दौर चल रहा है हमारे, एक वक्त था कि जब लेन देन एक अलग लेवल का था, अभी जो वक्त चल रहा है इसमें आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो बंदे की पर्सनैलिटी को बढ़ाता है, ऐसा इस्लाम का भी कहना है कि हमारा जो सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और पाक साफ होना चाहिए। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फैल चुकी हैं, बहुत सारी हो चुकी हैं, हम उनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं यूट्यूब की कमाई पर रहता तो शायद बहुत ज़्यादा मुझे इसका वेट करना पड़ता या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता, लेकिन शुरू से मेरी एक नीयत थी कि मैं मेरा जो विजन है वो असल में
तरबियत करना है, मेरा जो विजन है ख़ुद सीख कर अगले लोगों को सिखाना है, ख़ुद पढ़ कर लोगों को पढ़ाना है, ख़ुद एज ए साइकोलॉजिस्ट सीखना है और लोगों के मसाइल पर कहीं किसी हद तक अगर मैं किसी चार देखने वाले बंदों में से किसी एक का भी मसला हल कर लूँ, अगर मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरा मकसद मुझे हासिल हो जाएगा जो अल्लाह की रज़ा मैं चाहता हूँ। तो इससे हरगिज़ मेरा पैसा कमाना मकसद नहीं था और ऐसा ही हुआ कि मैंने इसको एक शौकिया तौर पे इस्तेमाल करते हुए मैंने साथ अपना एक बिज़नेस बिल्डअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं इसमें समझता हूँ कि मैंने कामयाबी हासिल की है। कामयाब तो बंदा तब हो जाता है जब बंदा नियत कर लेता है कि मैंने अल्लाह पाक की खुशनूद की हासिल करनी है। जी उम्मीद है मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आप तक पहुंचा होगा। यूथ को ख़ास तौर पर मैं मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप निकलें, आप काम करें, आप ख़ुद को सहारा देने की खुद कोशिश करें। पेरेंट्स तो सारी उम्र आपको पालते ही हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ऐसा वक्त लाएं कि जल्द आप अपनी नौजवानी में आप उनको उनका सहारा बने, वो जो चीज़ मुँह से निकालें आप उनके सामने ला कर रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।